भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोनों टीमें दिल्ली के मैदान पर आमने सामने होने के लिए मैदान पर उतर चुकी हैं। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया किन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही है, क्या होगी मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट, कौन सी टीम है मजबूत, बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीत जाए तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। इस श्रृंखला में टीम इंडिया ने दमदार शुरुआत कर ली है। आपको बता दें, पिछले 3 बार से टीम इंडिया के इस ट्रॉफी को अपने नाम करती आ रही है और इस बार भी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने दमदार शुरुआत कर ली है। पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 138 रन और एक पारी से हराने के बाद अब भारतीय टीम अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होगा क्योंकि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कुछ खतरनाक खिलाड़ी टीम में वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें, पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क चोट के चलते बाहर हो गए थे, लेकिन अब वह दूसरे मुकाबले में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज और दुनिया के 4th नंबर के बल्लेबाज ट्रेविस हेड की वापसी होने वाली है, जिसमें कंगारू और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। लेकिन दिल्ली में होने वाला अगला मुकाबला भी हर हाल में टीम इंडिया जीतना चाहेगी। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला टेस्ट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान भी स्पिन की मददगार होने वाली है। पिछली बार तो ऑस्ट्रेलियन टीम और उनकी मीडिया ने भारतीय पिच की जमकर आलोचना की थी, लेकिन उस पिच पर कितना भी घुमाओ नहीं था जिसे बल्लेबाज खेल न पाए। उसी मैदान पर रोहित ने शतक भी लगाया। अगर अगले मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से ही शुरू होगा, जो शाम 4:30 बजे तक चलने वाला है। इस मुकाबले का मजा आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अगर भारतीय टीम के हिसाब से अगला मुकाबला देखें तो रोहित शर्मा के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज अपने नाम करने के लिए भारत को अगला 2 मुकाबला खेला गया तो जीतना होगा या फिर ड्रॉ कराना होगा। और अगर अपने घर पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा देती है तो भारत आसानी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। ऐसे में रोहित शर्मा हर हाल में अगले मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहेंगे, जिसके लिए टीम इंडिया में कई सारे फेरबदल भी होते हुए दिखाई देने वाले हैं। भले ही टीम इंडिया पिछला मुकाबला जीत गई हो, बावजूद इसके भारतीय टीम में बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला मुकाबला 17 फरवरी से खेला जाएगा। अभी मुकाबले में काफी वक्त है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने अभी सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन में कई सारे बदलाव किए हैं। आपको बता दें, पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए रोहित और राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ का उप कप्तान राहुल से भरोसा उठ गया है और उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी शुभमन गिल के कंधों पर सौंपी है। जी हाँ, आपको बता दें, पहले टेस्ट में राहुल बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे, वहीं उनके बल्ले से कोई कमाल नहीं हुआ, जबकि शुभमन गिल अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में रोहित और गिल की जोड़ी हमें दूसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग करती हुई दिख सकती है। दोस्तों, नंबर 3 के पायदान पर टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा पर हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भरोसा जताया है। पुजारा पिछले मैच में खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे, लेकिन दिल्ली के मैदान पर उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम के बहुत काम आने वाली है। वहीं नंबर 4 पर भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली हमें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख सकते हैं। पहले टेस्ट में विराट की किस्मत खराब थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में कोहली वापसी के लिए बेकरार दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों, विराट का साथ निभाने के लिए द्रविड़ ने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या पर भरोसा जताया है। हालांकि सूर्या ने पिछले मैच में ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन वह लय में नजर आ रहे थे, जबकि विकेट कीपर की भूमिका में राहुल द्रविड़ ने KS भरत की जगह ईशान किशन को मौका दिया है। आपको बता दें, इस वक्त भारत के बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर हैं और उनकी जगह रोहित और द्रविड़ ने पहले में किस भरत को मौका दिया था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए और अब उनकी जगह दूसरे मुकाबले में राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को मौका दिया है, जो ऋषभ पंत की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके साथ ही द्रविड़ ने टीम में एक बदलाव किया है। अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखाकर दिल्ली के मैदान में हमें कुलदीप यादव टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, हेड कोच द्रविड़ ने टीम में वैरायटी लाने के लिए बदलाव करने का फैसला किया है, तो दूसरे टेस्ट मैच में हमें जडेजा, अश्विन और कुलदीप की फिरकी का जादू एक साथ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वहीं बात करें अगर भारतीय टीम के पेस अटैक की, तो इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। राहुल द्रविड़ मोहम्मद सिराज के साथ मोहम्मद शमी के साथ ही जाने वाले हैं, इस पर उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, गिल और कुलदीप के आने से भारतीय टीम और भी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन
आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया ने एक बार फिर से कंगारुओं के ऊपर कस लिया शिकंजा। कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से शतकीय पारी खेलकर तोड़ दिए कई सारे बड़े रिकॉर्ड। तो वहीं किंग कोहली और इस मुकाबले में शामिल किए गए शुभमन गिल का बल्ला भी जमकर गरजा। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने खेली धमाकेदार पारी, तो मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव ने भी बता दिया कि वो भी टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बल्लेबाज है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में पहले दिन कैसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन, रोहित शर्मा ने शतक ठोकते हुए कितने रन बनाए, दिखाएंगे मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कहीं का नहीं छोड़ा। नागपुर में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ हराया बल्कि एक ऐसी शिकस्त दी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी ने सितारों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम को केवल 2 घंटों में ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, लबुशने उस्मान ख्वाजा जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 91 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारत एक पारी और 138 रन के मुकाबले जीतने में कामयाब रहा। इस मुकाबले की खास बात यह रही कि काफी समय बाद कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट में शतक जड़ा, वहीं रविंद्र जडेजा ने लगभग 6 महीने बाद मैदान पर वापसी करते हुए 7 विकेट लिए और 70 रन भी ठोक दिए। दोस्तों, भारत में टेस्ट और रविचंद्रन अश्विन का नाम न लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है, इस मुकाबले में उन्होंने 8 बल्लेबाजों को चलता किया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा मुकाबला खेला गया। बता दें, पहले दिन टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के इस बार नई जोड़ी मैदान पर उतरी थी, एक तरफ से कप्तान रोहित तो दूसरी तरफ शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक शॉट खेलना शुरू कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन पैट कमिंस और उनके धाकड़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 10 ओवर में 50 रन काफी ज्यादा होते हैं, जिसमें रोहित ने 30 रन बनाए थे तो शुभमन गिल ने 18 रन की पारी खेली थी। इसके बाद रोहित शर्मा ने संभलकर खेलना शुरू किया और शुभमन गिल ने अटैकिंग बल्लेबाजी जारी रखी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के करीब पहुंच गए। रोहित शर्मा 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें गेंदबाजी करने आए थे मर्फी। उनकी गेंद पर 2 रन लेते हुए रोहित ने एक और हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद ज्यादा समय न लेते हुए शुभमन गिल ने भी अर्धशतक ठोक दिया और यह बताया कि वो केवल राहुल से इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज है। और इस दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन लंच से ठीक पहले वो शुभमन गिल 75 रन के स्कोर पर विकेट के पीछे एलेक्स कैरी को कैच देते हुए पवेलियन लौट गए। उनका विकेट में मिचेल स्टार्क ने ले लिया। दोस्तों, लंच तक टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। रोहित शर्मा 60 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच के बाद चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा एक बार फिर से मैदान पर उतरे। पहले मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा जल्द आउट हो गए थे और इस मुकाबले में उन्होंने थोड़ी धीमी शुरुआत की। एक तरफ से रोहित शर्मा धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर से 38 रन की पारी खेलकर कैच आउट हो गए। वो बेहद ही डिसअपॉइंट नजर आ रहे थे। उनका विकेट नॉर्थन लियोन ने लिया था, जहां शॉट पर स्टीव स्मिथ ने उन्हें कैच आउट किया था। अब भारतीय टीम की जिम्मेदारी विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंधों पर आ गई थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लंच के बाद भारत का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में एक और शतक जड़कर इतिहास रच दिया। आपको बता दें, रोहित ने 138 गेंदों का सामना करते हुए तेजी से एक और शतक ठोक दिया। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 5 तूफानी छक्के भी लगाए। एक तरफ से रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं अपने घरेलू मैदान पर विराट कोहली एक और मास्टर पारी खेल रहे थे। काफी समय बाद टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले की गरज लोगों ने देखी। ऑस्ट्रेलिया टीम ये भाप चुकी थी कि विराट कोहली अब फॉर्म में आ चुके हैं। उन्हें रोकने के लिए पैट कमिंस ने कई सारी रणनीति बनाई, लेकिन विराट ने हर एक रणनीति को बेहद ही तूफानी अंदाज में तोड़ डाला। जी हां, विराट कोहली पर हरी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। केवल 60 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने कुल 8 चौके लगाए थे। बता दें, रोहित शर्मा ने 160 गेंदों में 132 रन की पारी खेली। नॉर्थन लियोन की गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 7 छक्के और 10 चौकों से सजी अपनी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। दिन के आखिरी सेशन में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। विराट कोहली ने जहां काफी समय बाद टेस्ट क्रिकेट में अपना शतक पूरा किया, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी अर्धशतक लगाकर पहले ही दिन टीम इंडिया की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। दोस्तों, आपको बता दें, दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 450 रन बना लिए थे, जिसमें रोहित शर्मा और विराट
विराट कोहली ने धमाकेदार अंदाज में शतक लगाया था और वहीं सूर्या और शुभमन गिल ने भी धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली रोहित शर्मा से रन बनाने के मामले में आगे निकल जाएंगे या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।